स्वागत है, स्वागत है आपका पब्लिक टीवी की, पब्लिक टीवी की आज की भाषण में। जी हाँ, बाकी चैनल वाले करते हैं बहस, पर हम यहाँ करते हैं भाषण। तो जी हाँ, आज की भाषण न्यूज आई है सीधा अफगानिस्तान से, जो कि भेजी है वहाँ के सबसे तहजीब और शरीफ ग्रुप जालिबान ने। जी हाँ, जालिबान वालों ने भेजा है हमारे भारत टीम के लिए एक प्यारा सा मैसेज। तो चलिए चलिए देखते हैं। अल हबीबी, हम किसी को भी उड़ा देती कभी भी। हम तुमको एक बात बताती, हमारी टीम उधर खेलने को आती, आज जो भी एक शॉट मार के उनको हरा देती, हम उनको इतनी गोली मारती कि उनको बेचकर तुम्हारे घर वाले करोड़पति बन जाती बन जाती बन जाती। तो चुपचाप आज का मैच हार जाती, वरना कल के दिन तुम्हारी फोटो पे फूलों की माला चढ़ जाती। समझ में आती या नहीं आती? गोली भाई ये क्या बोल रहे हैं? गोली मारती, फूली की माला चढ़ा जाती, भाई ये क्या है? हाँ भाई, हाँ, हमें भी बताओ। गोली भाई, ये क्या है भाई, ये सच बोल रहा है क्या? देख चिकू, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, बाकी तू देख ले क्या करना है। भाई हम नहीं खेलेंगे। सुनो बे, बरसाती मेंढकों की तरह टर टर करना बंद करो और कान खोलकर सुन लो। अगर आज का ये मैच हार गए तो पूरी देश की पब्लिक हमें मार देगी। अब चॉइस हमारे हाथ में है कि हमें गीदड़ की तरह खेलना है या शेर की तरह। भाई हमें बस जिंदा रहना है। भारत और अफगानिस्तान का ये मैच पहुंच चुका है बहुत ही खतरनाक मोड़ पर। भारत को चाहिए सिर्फ 3 बॉल पर 6 रन और बैटिंग पर है डांडिया और रनिंग एंड पर है कप्तान गोली। और अब गोली समझाते हुए कुछ डांडिया को। सुन बे डांडिया, इस बॉल पर छक्का मार के मैच खत्म कर दे। और हाँ, सिंगल मत लियो, मेरे टांग में दर्द हो रहा है, भागा नहीं जाएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा, तू बस बेफिक्र होकर छक्का मार। ओह नो भाई, मैं नहीं मारूंगा, जालिबान वालों ने तो बोला है कि जो आखिरी शॉट मारती उसको वो बाहर से गोली मारती। भाई ये हमसे ना होती। अगर तू इस बॉल पर छक्का नहीं मारती तो हम तुझे टीम से बाहर फेंक देती। ओह नो। काफी कही सुनी के बाद डांडिया तैयार है बैटिंग पर खेलने के लिए और राशिद खान भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने, और डांडिया ना जाने क्या सोचते हुए। अगर छक्का नहीं मारा तो टीम से जगह खो बैठूंगा, और अगर मार दिया तो इस जिंदगी से क्या करूं यार। और ये डाली राशिद ने गाल पर रैपिड रसीद करने वाली स्पीड से बॉल, और ये क्या, ये तो बॉल हो गई है डांडिया से मिस, और ये न जाने क्या कहते हुए डांडिया राशिद से। ओह नो। राशिद भाई झूठ बोलू तो तेरी अर्थी देखू, भाई कसम से लग कर गई है बॉल, तू अपील कर। आउट दे। और ये क्या, ये तो डांडिया ने खुद से अपील करवा के खुद ही को आउट दे दिया और खुद चल दिए पवेलियन की तरफ। अरे शर्मा जी, फट गई है इनकी, जाने दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग ऐप के बारे में, जिसका नाम है बिनोमो ऐप। बिनोमो ऐप की खास बात यह है कि ये iOS और Android दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जिससे पता चलता है कि ये एक लीगल ऐप है। बिनोमो में आप मल्टीपल एसेट जैसे गूगल, गोल्ड, यहाँ तक कि मल्टीपल करेंसी जैसे USD और यूरो आदि में ट्रेड कर सकते हैं, और इसमें 90% तक का एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। इसमें आपको ग्राफ की फोरकास्टिंग करनी होती है कि ग्राफ कब ऊपर जाएगा और कब नीचे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे लग रहा है कि इस एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैंने इसमें 3,500 इन्वेस्ट कर दिए हैं, और देखिए ये ऊपर जा रहा है, यानी कि मेरा फोरकास्ट बिल्कुल सही है। बट अगर फोरकास्ट गलत हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पैसे कैसे मिलेंगे। आप अपने पैसे डायरेक्ट पेटीएम पे या अपने बैंक अकाउंट में विदड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट है 350 रूपए, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, यानी 350 रूपए के 700 रूपए और 1,000 के 2,000 रूपए। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाओगे तो आपको ट्रेड प्रैक्टिस के लिए 65,000 रूपए का डेमो अकाउंट भी मिलेगा। भारत में 2 मिलियन बिनोमिस्ट है, क्या आप उनमें से एक है? तो अभी डाउनलोड कीजिए बिनोमो ऐप, डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये डांडिया ने भी हक दिया, अब 2 बॉल पर 6 रन चाहिए, अब तो बस एक ही है जो इस टाइम पर भी तूफान उड़ा सकता है, सूर्या। सूर्या, सूर्या को बुलाओ। कोनी भाई आप बोलोगे तो आपके कच्चे धो दूंगा, आप बोलोगे तो जीवा को स्कूल छोड़कर आऊंगा, उसका होमवर्क भी करूंगा। कोनी भाई आप बोलोगे तो आपकी पूरी टीम की खुजली, खारिश, खाज सब दूर कर दूंगा, बस बैटिंग पर जाने के लिए मत बोलना कोनी भाई। क्या
तू तो डॉन नंबर वन था ना, जुबान से ज्यादा तेरे हाथ चलते हैं। तू तो कहीं भी तूफान उड़ा देता है, क्या हुआ तेरे मास्क को? भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ही हो गए। आपका सीरियस तो फिर भी झेल लूंगा मैं। अगर वो जालिबान वाले मेरे साथ सीरियस हो गए तो फिर मुझे सीरियस होने से कौन बचाएगा भाई, कौन बचाएगा? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं देखा भाई, कुछ भी नहीं देखा। सुन बे साबुन के झाग, मिंट से पहले बैटिंग के लिए भाग। अगर ये मैच नहीं जीते तो वैसे भी तुम्हारी ठुकाई होना पक्का है, और अगर तूने ये मैच जितवा दिया तो दादा को बोल के तुझे कप्तान बना दूंगा। फिर उड़ाता रहियो जिंदगी भर तूफान। मैं कप्तान बनूंगा? ओ यस, अब अपनी होगी जीत और उनकी होगी हार। कप्तानी के लिए तो सीने पे करूंगा जालिबान के वार। कोनी द्वारा ज्ञान मिलने के बाद अब आ गए हैं सूर्या बैटिंग पर फुल जोश में, और अब चाहिए दो बॉल पर 6 रन। इसी के साथ राशिद भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने, और रनिंग एंड से गोली न जाने क्या बोलते हुए। सूर्या तुझे अपने मम्मी की कसम है, अगर तूने इस बॉल पर सिंगल लिया तो मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू इस बॉल पर छक्का मार के दिखा। और ये डाली राशिद ने 5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल, और ये क्या, ये सूर्य ने भी घुमा दिया है बल्ला। बॉल जाती हुई हवा में और नीचे फील्डर तैयार, और ये सूर्य डूबता हुआ। जी हाँ, सूर्य हो गए हैं आउट, और अब बैटिंग पर है गोली। क्या गोली उठा पाएंगे अफगानिस्तान वालों की चोली? जानने के लिए वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। आखिरी बॉल पर चाहिए 6 रन, सामने बैटिंग पर है गोली, और रनिंग एंड पर आ चुके हैं सर जडेजा, और अब गोली न जाने पागलों की तरह अपने आप से क्या बात करते हुए। मैं तो वैसे भी कप्तानी छोड़ने वाला था, अब क्या करूं, छक्का मारा तो गया और नहीं मारा तो भी गया। ए भगवान बचा ले। बालक हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जालिबान वाला मैटर हमारी पहुंच से बहुत बड़ा है। हम तो कह रहे हैं अब उनको फोन लगाओ, वही कुछ कर सकते हैं, पता है ना कौन? हाँ जी सही कह रहे हो आप, अब वक्त आ गया उनको बताने का। मैच की आखिरी बॉल, भारत को चाहिए 6 रन जीतने के लिए। बल्लेबाज गोली पे खौफ का साया छाता हुआ, अगर छक्का मारा तो गोली गए, और अगर नहीं मारा तो भी गोली गए। तो आज गोली के लिए एक तरफ है खाई और दूसरी तरफ है कुआं, अब देखना होगा कि क्या करेंगे गोली। और ये राशिद खान भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने, गोली सामने बैटिंग के लिए तैयार, क्या इस बॉल पर छक्का लगा पाएंगे या नहीं? और ये डाली राशिद ने 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल, ये तो गोली ने घुमा दिया है बल्ला। और बॉल जाती हुई हवा में, फील्डर आते हुए फिर से बॉल पकड़ने के लिए, और ये बॉल आ रही है नीचे, लगता है कि गोली तो गया। पर ये क्या, ये तो बॉल गई है सीधा बाउंड्री के पार, और छक्का लगने के बाद भी ग्राउंड में सन्नाटा। मैच तो जीत लिया है, पर अब क्या होगा? सर जडेजा पूछते हुए गोली से। ओह नो गोली भाई, ये क्या कर दिया आपने, अब क्या होगा? वो भी चोरेगा आपको भाई। भाई आपकी जगह कप्तानी कौन करेगा? सोडी जी, जालिबान वालों ने धमकी दी थी कि अगर हमने उनको हराया तो वो। भाइयों और बहनों, हमारे होते हुए तुम्हें ऐसे चमन चुनौतियों से डरने की जरूरत नहीं है। पर सोडी जी वो जालिबान वाले तो। भाइयों और बहनों, अभी हम मोटा भाई से बोलकर ऊपर मोटा सा बॉम्ब गिरवा देते हैं, ना रहेगा जालिबान और ना टूटेगी तुम में से किसी की दुकान। और यहाँ तो गोली ने कर ली है सोडी जी से सेटिंग, और इसी के साथ भारत ने मैच जीत लिया है। इसी के साथ वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।